आज यहाँ पे भीड़ का 101% टेक्सचर है। ये हमारे प्रभु जी, यूट्यूबर प्रभु जी, अरुण प्रभु जी, हरिओम। हम दोनों एक दूसरे को शूट कर रहे हैं। ये हमारे भाई और उनके मित्र सब उछलते हुए डांस करते हैं। अभी अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। प्रसाद की लंबी लाइन लगी थी सब प्रसाद पाने के लिए। हम अभी अभी टेंपल आए हैं। आज रामनवमी का उत्सव है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु राम ब्लेस अस। तो जैसा कि आपने अभी देखा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर के अंदर, तो हम सीधा प्रसाद खाने आ गए। अब देखते आगे क्या होता है। तो पूरा ब्लॉग देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम, हरि बोल, महाप्रसादे गोविंदे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखो हम खाने तो आए थे, यहाँ पे माता जी ने प्रसाद नहीं पाया, तो इनके लिए चाउमीन, इनके लिए चाउमीन इनको खिलाने आए थे, और इन माता जी ने हमें आइसक्रीम ट्रीट दी। हम आइसक्रीम खा रहे हैं, और आइसक्रीम खाते खाते हमें पता है हमने कितना स्ट्रगल किया है। क्यों आइसक्रीम पिघलने वाली थी। बहुत सारे लोग मिले आज मुझे, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई उनके साथ, आई एम रियली सॉरी। आज जितने भी लोग मुझसे अभी तक मिले हैं, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरि बोल। ये देखिए, हरे कृष्ण हरि बोल, हरि बोल। रिम 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 बारिश हो रही है, और अभी माता जी बारिश हो गई, हरि बोल। माता जी ने हमें बारिश हो रही है प्रसाद खिलाया था, माता जी ने हमें प्रसाद खिलाया था। अब हम भाग भाग के वापस, माता जी ने खिलाया था यार, बस कह रहा मैं, प्रमोशन कर दिया तुम लोगों ने। अब हम जा रहे हैं पंडाल में, रामनवमी का फंक्शन है, यहाँ पे कथा होगी वो सुनेंगे, और शाम की गौर आरती लेके वापस जाएंगे। आज मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना रही, क्योंकि मैं अपने राम जी का जन्म उत्सव बहुत अच्छे से मना रही हूँ। तो मिलते हैं, जब भी थोड़ा बहुत जो बन रहा है वो बन रहा है, तो हरी बोल, मिलते हैं। मौसम बहुत सही हो रहा है, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, ऐसे रिमझिम से पड़ रही है, ऊपर से बारिश आ रही है यहाँ पे नीचे, पर ऐसे यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, और यहाँ से ऐसे छींटे पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई छींटे मार रहा है। पीछे बारिश होती हुई, इतना आनंद आ रहा है, बारिश आ रही है, बारिश हो रही है। इग्नोर देम, इग्नोर देम, पीछे बहुत बारिश हो रही है, आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा एकदम एंड में बैठी हुई हूँ, क्योंकि हमें जल्दी निकलना है, तो बाहर आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, तो हम पीछे ही कीर्तन करके दर्शन करके निकल जाएंगे घर के लिए। कल बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे इस वजह से, तो आज लोग भी बहुत कम हैं, प्लस बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है खूब ज़्यादा। राम प्रभु जी का प्राकृतिक दिवस है, हरि बोल, 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 सब बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, नहीं आए। ये देखो, ये माता जी अपने लिए जगह बनाते हुए डांस करने के लिए तैयार कर रही हैं, मीट बना रही हैं, अपना काम स्वयं करें, ये इसकी मिसाल देते हुए, हरी बोल। गंदी है बट राम 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 रा
नहीं 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 मैं नान खटाई ही खाऊंगा। कहाँ की? खटाई ही खानी है। मेरठ मेरठ की मशहूर गरमा गरम नान खटाई। अरे सुनते हो आपके बेटे को नान खटाई खानी है? अरे देखो बेटा मुझे नहीं 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 मेरठ की मशहूर गरमा गरम नान खटाई। ये कौन के बाहर खड़े होके कह रहे हैं? देवराज प्रभु जी ने आइसक्रीम खिलाई हमको। धन्यवाद। मैंने बोला थोड़ी ना, अभी यहीं पे ब्लॉग एंड कर रहे हैं। आज बहुत आनंद आया, बिल्कुल भी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं इंजॉय कर रही थी हमारे राम प्रभु का प्राकट्य दिवस। ब्लॉग बना के क्या ही करती, भगवान के दर्शन कराए हैं। आज मैं लेट भी हो गई थी तो महाअभिषेक मैंने मिस कर दिया, पर मैं किसी से वीडियो लेके वो दिखाऊंगी जरूर, थोड़ा बहुत कुछ भी जो हुआ हो। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हरी कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री।